नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PD क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम सब देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के पार्ट 2 को, जिसमें हम संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता के बारे में देखेंगे। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हम भारत के लोग शब्द से भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान के अंग नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है व्यक्त करता है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें, तथा एक लाइक कीजिएगा हमारे लिए, जिससे मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। बाकी शब्द जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्नता शब्द भारत के संविधान में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बम्बोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बोई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा।
42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, सभी संविधान पूर्णता और समान रूप से मानव हैं यह सिद्धांत जाना जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आयरिश आयरलैंड गणतंत्र। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत देश की देन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है, किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संविधान के निर्वाचन के लिए प्रसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से संविधान के निर्वाचन के लिए प्रसंघ उच्चतम न्यायालय समान रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से ली गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी भारत और यूएसए में है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सत्तावादी सरकार। सत्तावादी सरकार भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पद्धति की सरकार। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में राष्ट्रीय पद्धति की सरकार सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान प्रसंघीय है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान प्रसंघीय है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु न्यायिक समीक्षा है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में तथा एक लाइक कीजिए हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूँ। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केसी हियर। केसी हियर ने कहा था भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केसी हियर। केसी हियर ने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनता। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है। जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है? तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्यों का यूनियन। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची। यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के अनुसूची फर्स्ट में संशोधन करना आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1953। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1956। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1953 में। आंध्र प्रदेश 1953 में एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक साम्राज्य बनाया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम भारत का एक साम्राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 20। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए 20 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। जो भी दोस्त इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता त्यागने पर, पर्यावासन पर, वंचित किए जाने पर समाप्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी इकहरी नागरिकता।
भारत के संविधान का संघीय लक्षण एकहरी नागरिकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ। अगला क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संसद को। नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार संसद को है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत है एक? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर, जिससे अधिक से अधिक दोस्त इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। तथा जो भी दोस्त नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।